पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू आज खनियादाना पहुंचे, जहां उन्होंने खनियादाना की जनपद कार्यालय में बने नवीन सभाकक्ष का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कक्काजू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद लोधी ने विधायक केपी सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जनपद उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं जनपद सीईओ ने विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट किया। विधायक केपी सिंह ने सरस्वती पूजन किया। इसके बाद जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के साथ नवीन सभाकक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खनियादान जनपद के जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पत्रकार बंधु मौजूद रहे। वहीं विधायक केपी सिंह ने जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से कहा कि डरकर काम नहीं करना है। जो जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपी है उसको निर्भय होकर निभाना है। पंचायतों में बनी गौशाला पर विधायक ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जो गौशाला बनी हुई थी, वे गौशाला अधिकतर खाली पड़ी है। उन गौशाला को सुचारू रूप से चलाएं, जिसमें जन सहयोग भी ले सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में जनपद सीईओ ने मौका अतिथि एवं कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। विधायक जी, सभाकक्ष का आज लोकार्पण किया गया आपके द्वारा, और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है अपने जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी से कि बगैर डरे कार्य करना चाहिए, क्या कहेंगे इस बात? बगैर डरे कार्य करना चाहिए, तो ये तो स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र में आपको जनता ने जवाबदारी सौंपी है, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन करो और अपने काम में निर्भीकता से करो, ये तो अपेक्षा रखते ही हैं सारे जनप्रतिनिधियों से। आगे किस तरह के ये कार्य पंचायतों में हो रहे हैं, जैसे गौशालाएं भी आपने बोला कि कहीं अच्छे से चल रही हैं और बहुत सी गौशालाएं जो नहीं चल रही हैं? ये गौशालाओं का जो लगभग ज़्यादातर पंचायतों में बंद सी हो गई हैं, सिर्फ जो स्वयंसेवी संस्थाएँ या स्वयंसेवी जो लोग हैं जिनकी मानसिकता काम करने की, वही गौशालाएँ ठीक से संचालित हो पा रही हैं। तो मैंने इन लोगों को यही कहा है कि पंचायत की भी जवाबदारी है, अपनी जवाबदारी को स्वीकार करो, और शासन अगर व्यवस्था नहीं कर रही है तो समाज को प्रेरित करो जिससे वो सहयोग करें और आपकी गौशालाओं का संचालन ठीक से हो।